अहमद मुस्लिम रक्षा दल से। आज हमें संज्ञान में एक मामला आया, उन्हाना के करीब एक गांव है जमालगढ़। जमालगढ़ में एक जुनैद नाम का लड़का था जिसको पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार करने का काम करा, और पुलिस ने शक के आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार करके अपने 23-19 सेक्टर थाने ले जाने का काम करा। वहां पर पुलिस ने उनके साथ उनको थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया और उनके परिवार से फोन पे उनसे 70,000 रूपये मांगने का काम करा। जब हमारे टीम को, हमारे मुस्लिम रक्षा दल को पता लगा कि ऐसा जमालगढ़ के अंदर पुलिस द्वारा एक हत्याकांड हो गया, तो हम उनके घर पे आए। तो मैं आप सभी को भी अवगत करा देता हूँ कि मैं जो जुनैद की माँ है, मैं उनसे मिला और उनसे मैंने बहुत सारी चीजें पता करी, आप लोगों के सामने मैं उनसे पता करूंगा। अम्मा आपका नाम क्या है? खतीजा। आपके कितने बच्चे हैं? बेटा। तीन बेटी, तीन बेटा। अच्छा, और आपके पति क्या करते हैं? अच्छा, वो इंतकाल कर गए हैं। वो तो जो पुलिस ने उठाया था, आपका एक बेटा उठाया, तीन बेटे उठाए? एक तो उठाया शादी में से, एक उठाया शादी में से। तो गया आपने वहाँ से मिला, पांच तारीख कहाँ मिलने गए थे? नहीं नहीं, गांव में। जैसे कि अम्मा बता रही है कि एक दो को तो उठाया शादी में से, और एक को कहाँ उठाया? सुनहरा बॉर्डर पे से। तो अम्मा तीनों जो बेटे थे आपके, वो थाने में थे? नहीं, अब जो तीन बेटे थे थाने में, तो एक आप उसको छुड़ा के लाई। कैसे छुड़ा के लाई? जमानत पे लाई या कैसे लाई आप उसे? जमानत। कितने पैसे? 70,000 रूपए। अब आपके एक बेटा आ गया जिनका इंतकाल हो गया है, और दो बेटे कहाँ हैं आपके भी? दो बेटा थाना में बंद कर लिया, मिलेगा 4 तारीख में। नहीं सुठा, नहीं सुखा के लेके। कौन से थाने में? फरदाबाद। कहाँ पर? फरदाबाद में मैं जाऊँगा। कौन से? अच्छा, तो पुलिस तो आपको अब डर लग रहा है? क्या है, क्या माहौल आपके, मतलब आपको क्या लग रहा है? डर तो लग रहा है, पुलिस भेजा छोड़ा। अच्छा, मैं आप सभी साथियों को अवगत करा देता हूँ की तीन बेटे हैं, अभी तक दो बेटे अभी भी पुलिस के 19 सेक्टर में है, जिसमें से एक बेटे को पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री यूज की गई, जिसमें 4 दिन बाद उसकी हत्या होगी। उससे पहले इन्होंने बताया कि हमें कि हमने उसका मांडीखेड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनका हमने एमएलआर भी कटवा रखी है, तो एमएलआर को तो हम बाद में देखें। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी दो बंदों की जान खतरे में है। अगर मैं आपको अवगत करा देता हूँ, अगर ये रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम कहाँ न्याय मांगने जाएंगे? ये गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे? हम तो आपके ऊपर हैं, आप हमें सुरक्षा दें, आप शांति बनाए रखने का काम करें, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? मेरी शासन और प्रशासन से मेरी गुजारिश है, जो दोषी इस प्रशासन में, जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें, और उन्हें जल्द से जल्द तत्काल उन्हें सस्पेंड करने का काम करें। जो दो भाई हैं जो निर्दोष उठाए गए, उनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। जो क्या नाम था इसका? आजाद इरशाद। जो उनका दूसरा भाई जुबैर था, उसके ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है लिखित में कहीं भी, और पुलिस वालों ने उनको निर्दोष उठाया है, शक के दायरे में उठाया। अगर वो अपराधी भी होते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनको मारने का, पीटने का, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का। मेरी शासन प्रशासन से उम्मीद है कि जो इसमें पुलिस, इस हत्याकांड में जितने भी पुलिस शामिल हैं, उन सबको जल्द से जल्द बर्खास्त करने का काम करें। धन्यवाद।